मैं दीप्ति शर्मा आज आपको कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र पढ़ाऊंगी। अपन पहला अध्याय पढ़ रहे थे लेखांकन के प्रस्ताव, है ना। आज उनके अपन उद्देश्य पढ़ेंगे। तो लेखांकन के दो उद्देश्य होते हैं, है ना। उनका विभाजन करके उनका अध्ययन, लेखांकन के दो उद्देश्य होते हैं। पहला है प्रमुख उद्देश्य और दूसरा है सामान्य उद्देश्य। लेखांकन के मुख्य उद्देश्यों में व्यवहार, व्यापार, ये सब पर लेखे पर मतलब करना है इनको। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहारों को स्थायी रूप से लेखा करना। तो व्यवहारों को पुस्तकों में मतलब हम कोई व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा रखते हैं, तो पुस्तकों मतलब वही जो होते हैं उसमें अपन ये सारे लेखा जोखा लिखते हैं। व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने के लिए एक स्थायी लेखा तैयार करना होता है, जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता अनुसार कभी भी कर सकते हैं। तो जो अगर कोई अपन हर साल के लेखे बनते हैं, है ना, हर साल के लेखे बनते हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं, जब कभी भविष्य में अपन अगर उनकी ज़रूरत हो तो कभी भी हम उनको देख सकते हैं। फिर यह व्यापार के परिणाम को प्राप्त करना लेखांकन द्वारा ही दूसरा प्रमुख उद्देश्य है बेटा इसका, व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। तो लेखों के आधार पर एक निश्चित अवधि में लाभ हानि तैयार करना होता है। तीसरा है व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना। प्रत्येक व्यापारी समय समय पे अपने व्यापार की संपत्ति एवं दायित्वों की जानकारी रखता है, और जानकारी के माध्यम से वह सरलतापूर्वक क्या कर सकता है, आर्थिक स्थिति से अवगत करा सकता है। चौथा है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। जो कानूनी आवश्यकताएं होती हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के हिसाब किताब को रखना अनिवार्य होता है, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेखांकन की क्या होती है, आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। पांचवा है भावी आंकड़ों का, मतलब उस समय से आने वाले आंकड़ों को, भावी आंकड़ों को योजनाओं में उपलब्ध कराना। तो वित्तीय आंकड़े जो होते हैं वो हमेशा बेटा कोई भी जो योजनाएं होती हैं उनके जो आंकड़े होते हैं वो पहले लगभग हो, है ना, उनका योजनाओं बनाकर कि इतने में भावी योजनाएं बनाते हैं अपन, उनका जो योजनाओं के आंकड़े भी जो होते हैं वो निश्चित नहीं हो, उनको अपन भावी योजनाओं के हेतु आंकड़ों को उपलब्ध कराना। वित्तीय आंकड़ों का महत्व आधुनिक व्यापार में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्रियाओं से जुड़े प्रत्येक वर्ग, चाहे वह किसी भी नियोजन या सरकार का हो, आम जनता प्रत्येक व्यापार की स्थिति का आकलन आंकड़ों से ही करता है। प्रत्येक व्यापारी गत वर्ष की उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही योजना का रूपरेखा तैयार करता है, और व्यापार एवं उद्योग संबंधी समस्त सूचनाएँ आंकड़ों के रूप में क्या करता है, द्वारा ही उपलब्ध कराता है। फिर है लेखांकन के सामान्य उद्देश्य। अभी हमने लिखा मतलब अभी मुख्य उद्देश्य पढ़े लेखांकन के, अब ये है लेखांकन के सामान्य उद्देश्य। तो ये व्यापार संबंधी सूचनाओं को क्या कराता है, उपलब्ध कराता है, और समय समय पर लेखांकन के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं बेटा। पहला है क्रय विक्रय व शेष माल की जानकारी। वो व्यापार जो अपन कोई व्यापार करती है उसमें सारा लेखा काय का होता है, सभी माल का, रोकड़ का। तो क्रय विक्रय संबंधी मतलब जितनी भी क्रय विक्रय संबंधी जानकारी होती है वो शेष माल की जो जानकारी होती है, क्रय विक्रय तथा शेष माल की जानकारी। समय समय पर व्यापार में क्रय विक्रय तथा बिके माल की जानकारी प्राप्त करना स्वामी के लिए आवश्यक होता है। लेखांकन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति सरलता से दी जाती है। फिर लेनदार तथा देनदार। तो जो अपन कोई व्यापार करते हैं तो उसमें लेनदार और देनदार दोनों, जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं या खरीदते हैं तो अपन ले रहे हैं और दे रहे हैं, उसके जो अपन भुगतान करते हैं उसे कहते हैं देनदार। आज का व्यापार साख पर क्या है, आधारित है। व्यापारी साहूकार को भुगतान करके ग्राहकों से रकम वसूलने
व्यापार की स्थिति की जानकारी क्या कराता है, अवगत कराता है। लेखांकन द्वारा ही उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो पाती है। छल कपट पर नियंत्रण, लेखांकन होते हैं उनके व्यवहारों में उचित लेखांकन नियमित जांच कर कर्मचारियों ग्राहक द्वारा क्या की जाती है बनाई जाती है, इसमें छल कपट की आशंका पर नियंत्रण किया जा सकता है। व्ययों पर नियंत्रण करना, अनेक छोटे छोटे व्यय यद्यपि इनकी राशि कम होती है अधिक होने पर व्यापार की बचत कैसी होती है बेटा, घट जाती है। प्रत्येक व्यय का लेखा करने में अनावश्यक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। करों का अनुमान लगाना, विभिन्न प्रकार के करों का निर्धारण उनकी संभावित राशि का अनुमान लगाना लेखांकन से ही संभव होता है। बहुत से ऐसे व्यापारी होते हैं जो करों जो लाभ हानि की भुगतान राशि का अनुमान लगाने के लिए व्यवहारों पर लिखा करते हैं, तो छठवां है लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना। लेखांकन का उद्देश्य है लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना। केवल व्यापार में लाभ हानि को ज्ञात करना नहीं, कारणों को ज्ञात करने के लिए व्यापार की लाभ हानि, मतलब कोई भी व्यापार जब अपन शुरू करते हैं तो उसमें लाभ भी होता है हानि भी होती है, उससे व्यापार में लाभ हानि प्रभावित होते रहते हैं। फिर है व्यापार का सही मूल्यांकन करना, तो लेखांकन से व्यापार के लिए संपत्ति एवं दायित्वों का सही सही मूल्यांकन क्या होता है आवश्यक होता है। अतः इस सामग्री की आवश्यकताओं को लेखांकन के माध्यम से तो कोई भी व्यापार की सही सही जानकारी या मूल्यांकन करने के लिए लेखांकन के माध्यम से ही इसे पूरा किया जा सकता है और लेखांकन की आवश्यकता होती है। फिर लेखांकन के प्रमुख कार्य, अभी उद्देश्य पढ़े बेटा अपन ने, अब हैं लेखांकन के प्रमुख कार्य। तो कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपन उद्देश्य निश्चित करते हैं, उद्देश्यों के बाद अपन लोगों को लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो यह पूर्ण रूप से नियमित लेखा रखना लेखांकन का प्रमुख कार्य होता है। व्यवसाय में लेन देन को पूर्ण नियमों के अनुसार लेकर रखना, बही खाता खतौनी करना, वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि का विवरण स्थिति विवरण तैयार करना, ये किसके कार्य हैं, सब लेखांकन के कार्य हैं। विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना देना, मतलब जो अपन कोई लेखांकन लिखते हैं तो जो विभिन्न पक्षकार होते हैं जो अपन से, मुझे लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है व्यापार के हित को बनाए रखना और पक्षकारों को शुद्ध लाभ संपत्ति दायित्व आदि के विषय में समय समय पर सूचना प्रदान करना। फिर व्यवसाय की संपत्ति की सुरक्षा करना, लेखांकन का एक अन्य कारण है विभिन्न संपत्तियों जैसे रोकड़ बैंक में स्टॉक लेनदार आदि को उचित लेखा रखना। तो बैंक में जो संपत्ति होती है लेनदार होते हैं सबका संपत्ति जो होता है व्यवसाय की संपत्ति सुरक्षा कौन करता है, लेखांकन के माध्यम से की जाती है। प्रबंधन को इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की, मतलब जो व्यापार का या लेखा जो का रखने वाला होता है उसको इस पर क्या करना पड़ता है, नियंत्रण की सहायता, मतलब उसकी सहायता से उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है। प्रबंधन की सहायता प्रदान करना, जब अपन कोई कार्य शुरू करते हैं सबसे पहले प्रबंधन लेखा जोखा बनाते हैं, पहले क्या करना है, कितनी पूंजी लगेगी, कितनी मशीनरी लगेगी, श्रम पूंजी सब चीज़ों की प्रबंधन की सहायता प्रदान, मतलब सही समय पर उनको सूचना प्रदान करना कि लेखांकन प्रबंधन का नियोजन और नियंत्रण निर्णय करने में कितना सहायक। फिर है ट्रस्टी का कार्य, कंपनी की दशा में प्रबंधन व कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी इसकी होती है ट्रस्टी की होती है, वह कंपनी से कोषों ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। लेखांकन उन्हें कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने की और कार्य की सहायता मतलब करती है। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, वैधानिक मतलब जो विभिन्न कानून जैसे कंपनी अधिनियम आयकर होते हैं वस्तु और सेवा अधिनियम होते हैं उनके प्रावधानों के अंतर्गत जो भी व्यवसाय होता है फर्म को विभिन्न विवरण प्राप्त करते हैं और
संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, वस्तुओं पर अधिनियम के द्वारा प्रबंधनों के अंतर्गत एक व्यवसाय विभिन्न विवरण प्रदान करते के लिए वार्षिक खाते और आयकर जैसे GST रिटर्न आदि, वस्तु सेवाओं पर GST के सभी जो कर होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से लगते हैं जैसे सीमा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, ये सब बिक्री कर, मूल्य वृद्धि सेवा कर आदि जो कर होते हैं वो सीमा सम्मिलित होते हैं जिसे GST कहा जाता है। और अधिनियम के अंतर्गत एक फर्म इन सबको वस्तु सेवाओं में सभी प्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन बिक्री मूल्य वृद्धि सेवा एक ही समय में ये सब क्या है सम्मिलित की जाती हैं और GST का कार्य कहा जाता है। GST का भुगतान करने के लिए इनकी वसूली विवरण के समय दी जाती है। फिर है दायित्वों का निर्धारण। लेखांकन का एक अन्य कार्य संस्था के प्रत्येक विभाग को लाभप्रद विवरण करना और इसके प्रत्येक विभाग अध्यक्ष को दायित्व निर्धारण करने में सहायता होती है। बच्चों गृहकार है लेखांकन के उद्देश्य लिखिए और लेखांकन के कार्य दोनों आप कॉपी पे लिखोगे और याद करोगे।